नमस्कार दोस्तों, नए ठेकेदारों के लिए नौ नसीहतें। जी हाँ सज्जनों, यदि आप नए ठेकेदार हैं तो मेरा ये वीडियो आपका भाग्य बदल सकता है। वो कौन कौन सी नौ नसीहतें मैं आपको देना चाहता हूँ, आइए शुरू करता हूँ बिना देर किए। सज्जनों, यदि आप नए ठेकेदार हैं तो आप चुनौतियों को स्वीकार कीजिए, अच्छे कंपटीटर बनिए। जब तक आप अच्छे कंपटीटर नहीं होंगे, नए ठेकेदार नए ही रहेंगे। आपको कंपटीटर बनना ही होगा। टेंडर देना अपने आप में एक कंपटीशन है, और उस कंपटीशन में वो जीतता है जो सबसे आगे निकलता है। यानी सबसे नीची रेट आप देंगे तब आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है, सबसे नीची रेट का मतलब होता है आप इतनी नीची रेट देवें कि आपका सेकंड लोवेस्ट, आपसे जो सेकंड लोवेस्ट है उसके बीच में, आपके और उसके बीच में 1 से 0.5% का ही डिफरेंस रहे। सजनों, तब आप सही ठेकेदार होंगे। यदि आपने 10% नीचा ले लिया सेकंड लोवेस्ट से, तो फिर आप कंपटीटर कहाँ रहे? आपने तो टोरा मारा है, तुक्का मारा है। ऐसी व्यवस्था आप नहीं करें। यदि आप ऐसा करेंगे फेल हो जाएंगे। और अपने आप देखिए, अपन इस बिजनेस में कमाने के लिए आए हैं, कोई पिताजी का नाम निकालने के लिए नहीं आए हैं कि उनका बेटा ठेकेदार है। सजनों, कमाने से आप ठेकेदार बनोगे, नाम निकालने के लिए ठेकेदार मत बनिए। इसलिए अच्छे कंपटीटर बनिए, बैड कंपटीटर मत बनिए। टफ कंपटीशन कीजिए आप, मगर रफ मत कीजिए। सजनों, इसके बाद में रिविजन करो, रिपीट करो, रन करो और सक्सेस करो। बार बार मैं कहता हूँ, रिपीट कीजिए। आप अपनी जो रेटें दी हैं आपने, उनको रिपीट कीजिए, स्वीकार कीजिए उनको कि जो मैंने रेटें दी हैं वो सही दी हैं। उनको रिपीट करेंगे और उनको रन करेंगे। रन का मतलब उन रेटों को डालेंगे आप कंपटीशन में, तब जाके वो काम देंगी। आपने रेटें निकाल ली, सारी बातें सही कर ली, मगर जब आप टेंडर भरते हैं उस समय आपके हाथ कांप रहे होते हैं, तो आपने अपने साथ धोखा किया है। आपने जो रेटें निकाली थी वो सही नहीं थी, इसलिए आपके हाथ दूज रहे हैं। सज्जनों, यदि आपके हाथ कंपा रहे हैं, आप अभी बोल्ड नहीं हैं, आपको रेटें नहीं देनी चाहिए। जिस दिन आपका विल पावर मजबूत हो जाइए, उस दिन आप रेटें दे सकते हैं और काम लोवेस्ट आएगा, आपको मिलेगा, ये निश्चित बात है। सज्जनों, लोगों की सुनो, लोगों को समझो, लोगों की बातों का बुरा मत मानो, और दोबारा करो, रिपीट दोबारा कीजिए, ट्राई एंड ट्राई अगेन। एक बार टेंडर दिया आपने, कोई बात नहीं, आपको काम नहीं मिला, दूसरी बार टेंडर दीजिए आप, दूसरा जब भी टेंडर निकले निश्चित रूप से आप मिलेगा। और दूसरी बात भी बार भी नहीं मिलता है, घबराइए मत। मेरे चैनल पे दोबारा आइए, सुनिए मेरे वीडियोज को, लाभ लीजिए इनका, और तीसरी बार दीजिए। सजनों, जब आप तीसरी बार टेंडर देंगे निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और चौथी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि इनोवेटिव कीजिए अपने बिजनेस में। ऐसा कुछ नया कीजिए आप अपने बिजनेस में, अपने ठेकेदारी में, जिससे लोग आपको सराहें, आपकी नई नई योजनाओं के प्रति आकर्षित होंगे। आप अपने बिजनेस में ऐसी कुछ योजनाएं लाइए जो आपके अवसरों को जचें। आपके अवसर ये कहें कि हाँ यार, मैंने आज तक किसी ठेकेदार के यहाँ इस तरह का काम इस तरीके से करता हुआ नहीं देखा। सजनों, यूनिक आइडियाज लाइए अपने बिजनेस में। ठेकेदारी बिजनेस एक ऐसा है जिसमें आप जो जो काम की गहराई में जाएंगे, जो जो आप काम करेंगे, कुछ नए से नया तरीका, यूनिक से यूनिक नया तरीका आप सीखते जाएंगे। उन तरीकों को काम में लीजिए, घबराइए मत। घबराने से ठेकेदारी नहीं होती। सजनों, ठेकेदारी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको बहुत सी लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं काम के प्रति। किसी से लाठी लेके नहीं लड़ना है आपको, काम के लिए लड़ना है। और काम में जब आप फाइट करेंगे तभी आप बड़े बड़े काम कर सकेंगे। सजनों, कम समय में ज्यादा काम कैसे करवा सकते हैं, इनके तरीके इजाद कीजिए। और वो तरीके कहीं किताबों में लिखे हुए नहीं मिलते हैं, आप जो करवाएंगे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। काम हमेशा आपको सिखाएगा, कुछ न कुछ सिखाएगा, वो जबरदस्ती सिखाएगा आपको। देखिए, आपने ये गलती की थी, इतना टाइम लगा, और अब आप ये गलती कर रहे हैं, इतना टाइम लगेगा। और इस तरीके से आप यदि काम करते हैं तो
तो ज्यादा टाइम चले नहीं लगेगा। सजनों, गुजरात में एक जगह काम चल रहा था, पहाड़ी के ऊपर काम था, वहां लेबर से सामान पहुंचाना बड़ा मुश्किल था, गधों से सामान पहुंचाना भी बड़ा मुश्किल था, और मेरे एक कर्मचारी ने ऐसा तरीका ईजाद किया जो मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूं। मैं भी ताज्जुब कर गया कि यार ये तरीका बहुत बढ़िया है, ऐसे तरीके अपनाइए आप। वो तरीका मैं आगे वाले वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, अन्यथा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सजनों, कम पैसे से ज्यादा बड़ा बिजनेस कैसे किया जा सकता है, सीखिए आप मेरी चैनल से। थोड़े से पैसे लेके आप ठेकेदारी कर सकते हैं। आप थोड़े से पैसे, मैं कहूंगा एक पर्स में आप जब पिकनिक मनाने जाते हैं उतने पैसे से भी आप ठेकेदारी कर सकते हैं सजनों, और सब रोकेंगे आपको, फेल हो जाओगे, मैं बोलता हूं पास हो जाओगे, कहीं फेल नहीं होगे। और यदि आप फेल होते हो तो तीन ही कारण हो सकते हैं। डरते हो आप अपनी ईमानदारी के प्रति, काम करने का तरीका नहीं है आपको, अनुभव नहीं है आपको। यदि ये तीनों बातें आप में हैं तो मत कीजिए ठेकेदारी, मैं आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूं। और यदि ये तीनों बातें आप में नहीं है, आइए मेरे साथ, मैं सिखाता हूं आपको कैसे ठेकेदारी कर सकते हैं आप। सजनों, 1987 की बात है, मैंने एक बहुत बड़ा काम, जो मेरी उस समय की औकात से ज्यादा बड़ा काम ले लिया था मैंने, और अधिकारी मेरे वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट को देख के उन्होंने वो काम दे दिया। 14 ठेकेदार थे उसमें कंपटीटर, और 14 ठेकेदारों में मैं लोवेस्ट आया था। मैं दिल खोल के कह रहा हूं आपको, मैं लोवेस्ट आया था। और ठेकेदारों ने क्या कहा था कि ये ठेकेदार फेल हो जाएगा 12 महीने बाद में। और सजनों, मैंने उस काम को पूरा किया। आप जाकर के आप आज भी उस वर्क को देख सकते हैं, बहुत बढ़िया वर्क किया हुआ मैंने। मेरी जिंदगी में इतना बढ़िया काम नहीं किया, इतना बढ़िया काम किया था, और बड़ा ही तरीके से किया, और विद इन टाइम किया। सजनों, जो अधिकारी थे वहां, उन्होंने मेरी पीठ सफाई थपथपाई और एक बहुत ही शानदार सर्टिफिकेट दिया, और उस सर्टिफिकेट के पेटे मेरा कद 10 गुना बड़ा हो गया। सजनों, ध्यान से सुनिए मेरे बात को, ये मैंने मेरे जीवन की सच्चाई बताई आपको। और मेरा कद, मेरे बिजनेस में नए ठेकेदार था मैं, और मेरा कद 10 गुना बड़ा हो गया। उस समय 10 लाख लीटर का RCC ओवरहीड बनाना, ओवरहीड टैंक बनाना बहुत बड़ी बात थी, और मेरे जैसे ठेकेदारों को नसीब में देखने को नहीं मिलता था, मैंने उसको किया है। सजनों, इसलिए आप घबराइए मत, चुनौतियों से घबराइए मत। नीड, आवश्यकताएं, पैसा, जरूरतें, ये सब बदलती रहती हैं सजनों, एक जगह नहीं रहती हैं, ये टिकती नहीं है। ये आज नीड आपके पास है, कल किसी दूसरे के पास हो गई। पैसा आज आपके पास है, कल किसी दूसरे के पास आ जाएगा। और जरूरत आज आपको है किसी की, कल दूसरे को जरूरत हो जाएगी। सजनों, मेरी चैनल एसएन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, एक नहीं हजारों दोस्तों में इस वीडियो को वायरल कर दीजिए। आप देश की भविष्य के कर्णधार हैं, आप ठेकेदार देश का विकास में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। इतनी बड़ी बड़ी ठेकेदारी, इतने बड़ी बड़ी सड़कें, इतने बड़े बड़े पुलियाज, इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनीज, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर किसने पैदा किए हैं, पूछिए आप किसी को, किसने बनाए हैं ये ठेकेदारों ने बनाए हैं, इंजीनियरों ने सहयोग किया है, देश ने उनका सहयोग किया है, और आज देखिए भारत, इंडिया एक नंबर पे आने को तैयार है, खड़ा है उस लाइन में, वर्ल्ड का एक नंबर बनेगा, और बन के दिखाएगी भारत सरकार इसको, कोई नहीं रोक सकता। आपको भी मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 365 दिन आप यदि मेरा वीडियो देख लेंगे, आपको निश्चित रूप से डी क्लास से मैं अगली साल सी क्लास में रजिस्ट्रेशन करवा के छोड़ूंगा। सजनों, मेरी चैनल, मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आता है शेयर कीजिए दोस्तों में, एक नहीं हजारों ठेकेदारों में शेयर कीजिए। जिस वीडियो को आपकी जरूरत, आपको जरूरत है, उस वीडियो को दूसरों को भी इनकी बहुत जरूरत है। सजनों, कमेंट्स देना कभी मत भूलिए। मैं कई बार देखता हूँ लोग बाग मेरे व्यूवर्स जितने हैं वो कभी थैंक्स तक नहीं कहते। क्या आपको कहूँ यार, समझ में नहीं आता कहाँ दिमाग है आपका। इतनी मेहनत करके मैं एक वीडियो बनाता हूँ, आप नमस्कार सर तो बोल ही सकते हैं। ये तो संस्कार होने चाहिए आप में, हमारे में।
और मैं उम्मीद करूंगा भविष्य में आप ऐसी गलती नहीं करें। कमेंट्स के द्वारा नमस्कार साहब, राम राम साहब, आप कुछ अच्छा लिखते हैं, हमें अच्छा लगता है, ऐसा बहुत से टॉपिक हैं जो आप बता सकते हैं, मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। एक 70 साल का आदमी आपको मोटिवेशन करने के लिए चैनल पे खड़ा है और आप चुपचाप वीडियो देख के बंद कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है सज्जनों। कमेंट्स जरूर कीजिएगा, मुझे आपका कोई कमेंट्स बुरा नहीं लगता। यदि आप मैं कुछ गलत बोलता हूँ, आपको मोटिवेशन अच्छा नहीं लगता मेरा, मैं यदि आपको नॉलेज देने में कहीं कमी छोड़ता हूँ, तो आप वैसा लिखिए, मैं और ज्यादा पॉजिटिव होऊंगा। बी पॉजिटिव, नो नेगेटिव। नमस्कार।